एम अ डिस्को डांसर। क्या करें जी, ऐसा है ना कि माइक सामने हो ना तो अंदर का कलाकार जो है वो जाग ही उठता है। वैसे कलाकार से याद आई, चलिए आपको लिए चलते हैं दो कलाकारों से मुलाकात कराने। हम बात कर रहे हैं पल्लवी पुरी और इशिता दत्ता की। क्या है ना कि दोनों ने सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए क्या गप्पे मारी है, आप भी देखिए ना। जब मिल बैठते हैं दो यार, तब कुछ दिल की बातें होती है। कुछ ऐसी बातें होती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और अब लॉकडाउन में जब एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो अपनी दिनचर्या बताने में और भी मजा आता है। तो देखिए ना, जब रागबीर और प्रगति के बीच मुलाकात हुई, तो वीडियो कॉल पर उन्होंने कैसे एक्साइटेड होकर एक दूसरे से उनकी दिनचर्या का हाल पूछा। मैंने बस कपड़े पहने हैं, मैं इससे पहले वर्कआउट कर रहा था बिना कपड़ों के, मतलब बिना। The only person who's working out and you make me feel very bad, Paul. मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रही, मेरे कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं। I don't know what I want to do. So I'm having a lot managing of armrus. That is one thing I'm having because I've decided कि इतने साल तक, you know, I sacrificed mangoes because I used to gain weight, I used to get a pimple. This year I was like mangoes and on. मैं रोज सुबह शाम I eat mangoes, so I'm very happy. रेडीमेड आमरस और आम लाके उसका निकाल के रख। गुज्जू हाउसहोल्ड, यहाँ पे फ्रेश आमरस बनता है। यहाँ खाने पीने की गपशप चल ही रही थी तो अचानक से पर्ल को याद आया कि वो अपना बटुआ कहीं भूल आए थे और वो बटुआ अब इशिता दत्ता और वत्सल सेठ के पास है। और फिर क्या, दोस्त ने टांग खिंचाई करते हुए अपने बटुए की मांग की। मैं आज से 2 महीने पहले दिल्ली गया था, तो मैं दिल्ली में अपना वॉलेट भूल आया था। तो इशिता और बैटी उस वक्त दिल्ली में एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैंने इशिता को बोला, बैटी को बोला कि प्लीज मेरा वॉलेट ले आना, आई विल टेक इट फ्रॉम यू। तो मैंने बोला हाँ हाँ वॉलेट है। सो देन आई टोल्ड वत्सल कि अरे उसका वॉलेट है, तो इट्स लाइक कहाँ है, आई सेड है इसे कहाँ है, दोनों कुछ कहा है। हम लोग ना तीनों मिलके टिकटॉक बनाएंगे, मैं भी अपना मुंह ऐसा फेस बड़ा कर लूंगा, जैसे भी आप बताना मुझे वो फिल्टर करके, वॉलेट कहाँ है, तो मैं बोलूंगा कहाँ है, बैठी बोलेगा कहाँ है, अब बोलोगे कहाँ है, 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 कहाँ है। लो जी लो, पर्ल के बटुए ने इन्हें एक वीडियो बनाने का आइडिया भी दे दिया। तो इसी के साथ जब वार्तालाप आगे बढ़ी तो छिड़ गई फेवरेट कॉफी की गपशप। और इसी फेवरेट कॉफी की गपशप को खत्म करते हुए इशिता ने अलविदा कहा, क्योंकि डिनर में उनकी फेवरेट डिश जो बनी थी। इनफैक्ट आई लव, यू नो व्हाट आई मिस द मोस्ट इज द कॉफी सेशन। सी आई एम हैविंग कॉफी राइट नाउ। पर्ल यूज्ड टू मेक ब्लैक कॉफी विद मसाला, आई यूज्ड टू कॉल इट ग्रेवी। आर यू स्टिल हैविंग ग्रेवी? डू यू स्टिल हैव ग्रेवी? नो नो नो, वो एक्चुअली ग्रेवी क्या था, मेरे को मैं जीरा हींग अजवाइन का पानी पीता था। दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ गाइस, अगर आप लोग भी चाहें तो पी सकते हैं। तो मेरे को टेस्ट खराब लगता था, तो मैं उसमें कॉफी डलवा लेता था। वी गोइंग टू रैप इट अप, आई हैव टू गो एंड हैव पानी पूरी, जस्ट सेइंग, दैट्स माय डिनर टुडे। सॉरी पर्ल, यू शुड नेवर आस्क मी व्हाट आई हैव फॉर डिनर। मैं डिनर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें खाती हूं। कोई होता जिसको अपने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे उत्तर भारत में ना गर्मी बद से बदतर हो रही है। एक तो देखिए, हाथ धोते धोते हाथों की नमी मानो गायब हो गई है। ऊपर से ये गर्मी, कई बार लगता है कि बस अपनी चेहरे की स्किन को किस तरह आप रिप्लेनिश करें, किस तरह आप उसको कुछ अच्छा फील कराएं। वेल, अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तो चलिए आज कुछ समर टिप्स ले लेते हैं। लॉकडाउन में मिले वक्त को आप कैसे अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज आपको बताएंगी इशारों इशारों में की गुंजन यानी सिमरन परिंजा। कौन कौन
कौन से फेस मास्क आप घर में मौजूद सामान से बना सकते हैं, चलिए ये जानते हैं सिमरन से। घर पे फेस मास्क जो हम बनाते हैं वो नेचुरल होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन बिकॉज आप नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। वाइट एग एंड सम लेमन। जो वाइट लिक्विड है उसे येलो से सेपरेट कर दिया एंड अब इसमें मैं लेमन जूस मिक्स करूँगी। I use a tissue and I'll put a tissue on it. So हम ये अपने फेस पे लगा सकते हैं for 10-15 minutes and then you remove it. सारे जो आपकी स्किन के ब्लैक हेड्स वो चले जाएंगे, योर स्किन विल फील्स दैट इट्स स्मूथ एंड सॉफ्ट। अदर वन इज यू हैव टू टेक सम सिनेमन। आप थोड़ा सा सिनेमन लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा हनी मिक्स कीजिए सेम 10-15 मिनट्स तक अपने स्किन पर रखिए, थोड़ा सा स्क्रब कीजिए एंड देन रिमूव इट। Is that you take some 1 tablespoon of milk, 1 tablespoon, 1 chamcha milk लीजिए और उसमें 1 tablespoon of honey add कीजिए। हनी अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन पे ये स्टिक करेगा। इसे 10 मिनट रखिए एंड देन यू वॉश इट। सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। होते हुए भी कोई आपसे दूर हो तो कैसा लगता है? आज के माहौल में हर कोई ये महसूस कर रहा है, वो क्या है कि ये लॉकडाउन के चलते दिल के करीब जो लोग हैं वो भी नज़रों से दूर है। और कुछ ऐसा ही हाल है हिना खान और रॉकी का भी। आंखों की मस्ती में डूब जाने को दिल करता है, आपकी खुली जुल्फे यूं हवा में ही उड़ने दीजिए, आपकी मुस्कुराहट यूं ही बनाए रखिए, उससे क्या होगा ना, आपकी तस्वीरें और भी खूबसूरत आएगी। गुलाबी ड्रेस में अपनी खूबसूरती को बिखेरती हिना खान की इन तस्वीरों को तो आपने देखा होगा ईद के मौके पर, और इस तस्वीर को देखने के बाद ये ज़रूर सोचा होगा कि इतनी खूबसूरत तस्वीरें आखिर हिना खान की खींची किसने हैं। हमारे साथ साथ हिना खान से ये सवाल सब ने पूछा कि भाई हिना, इतनी खूबसूरत तस्वीर आपकी किसने खींची है? अपने फैंस के सवाल पर हिना ने जवाब दिया, मुझे और खूबसूरत भला कौन दिखा सकता है। इसका मतलब कि ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि हिना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल ने खींची है।
इसका मतलब ईद के मौके पर हिना खान को बधाई देने पहुंचे थे रॉकी जायसवाल। लॉकडाउन में भी हिना खान ने रॉकी के साथ एक भी तस्वीर नहीं खिंचवाई, और अगर खिंचवाई होती तो सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करती। आखिर हिना, आपने रॉकी के साथ अपनी खुद की एक भी तस्वीर अपलोड क्यों नहीं की? वैसे तो आप फॉरेन कंट्रीज जाती हैं, मॉल जाती हैं, घर पर होती हैं, हर जगह आपकी तस्वीर रॉकी के साथ होती ही है, और वो भी एकदम लवी डवी। तो भाई, ईद के मौके पर आपने रॉकी के साथ तस्वीर क्यों नहीं खींची? अब कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आपने रॉकी के साथ तस्वीरें नहीं खींची? अब ये तो गौर की हुई बात थी जो हमने आपको बता दी, लेकिन हिना और रॉकी के फैंस तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो मिले भी दोबारा और अपनी खूब सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के लिए अपलोड करें जैसे कि वो पहले किया करते थे। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।